सर नमस्कार दोस्तों मैं हूं कन्हैया और आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टिक लेकर के आ गया हूं जो कि आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए तो आप भी सोच रहे हो कि ऐसा मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ जो कि हर आदमी को इस वीडियो की ज़रूरत है जी हाँ दोस्तों आपका आप अपना मोबाइल चलाते हो तो आपको पता है कि आपका मोबाइल हैंग तो करता ही होगा आप मोबाइल चार्ज करते चार्ज करते होंगे बैटरी जल्दी खपत हो जाता होगा नेट चलाते होंगे तो घूमते रहता होगा लेकिन आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपका ये सारा परेशानी दूर होने वाला है और इसके लिए मैं आपको कोई भी अदर अप्लिकेशन यूज करने के लिए नहीं कहूँगा तो चलिए दोस्तों जैसे आपके मोबाइल में गैलरी तो होता ही है सबके मोबाइल में फ़ोटो होता है वीडियो होता है शीटिंग सब कुछ होता है तो चलिए मैंने एक फ़ाइल को केवल मैंने ये क्लिक करके दिखाता हूँ लेकिन आपको इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मैं ये चीज़ बार बार अपने मोबाइल का वायरस खत्म करते रहता तो आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ आपके मोबाइल में इससे ज़्यादा वायरस होगा मेरे मोबाइल में मैं हर दिन हर समय ये चीज़ का वायर, अपने मोबाइल का वायरस डिलीट करते रहता तो सोचा आज आपको भी मैं इस ट्रिक को बता ही दूँ ताकि आप भी अपने मोबाइल का वायरस ख़त्म कर सकें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जैसे ये मेरा फोटो का फाइल है मैं इसे यहाँ से क्लिक करके रखता हूँ और क्लिक करके रखने के बाद देखिए यहाँ पे एप इन्फ़ो का ऑप्शन आ रहा है मैं ऐप इन्फो पे क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में जैसे मैंने यहाँ से बैक किया और टच करने के बाद अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप मोबाइल के सेटिंग में भी जा सकते हैं तो चलिए मैं आपको सेटिंग के से भी बता देता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ से अपने मोबाइल के यहाँ से सेटिंग में गया और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट का तो हम यहाँ से ऐप मैनेजमेंट को क्लिक कर लिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ऐप्स को देखेंगे और यहाँ पे देखिए जो भी मेरा फोटो का फाइल होगा मैं यहाँ से इस फोटो को ले लूँ तो फोटो का ऑप्शन है मैंने इस फोटो पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टोरेज यूसेज का तो ये आपके मोबाइल में भी दिखता है सबके मोबाइल में ऐसा ही ऑप्शन आता है चाहे ओप्पो का वीवो का कोई भी कंपनी का मोबाइल हो सब में ऐसा ही ऑप्शन आता है तो जैसे मैंने स्टोरेज के ऑप्शन को यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए मेरे मोबाइल में जो जो जितना भी है, ये डाटा होता है जो यहाँ पे क्लियर कैच लिखा है यहाँ पे आपका पूरा जो जितना वायरस है वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा तो आप यहाँ से क्लियर कैच कर देंगे हम डेली करते हैं इसीलिए मेरे में नहीं है लेकिन आपके मोबाइल में यहाँ पे भरा पड़ा होगा एम नहीं कम से कम तो पाँच सौ हज़ार एम केवल एक फाइल में आपका वायरस होगा आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जाके देख लेना लेकिन मैं आपको फ़ोटो से भी करके दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ से क्लियर कैच पर डिलीट कर दिया तो केवल मेरा वायरस डिलीट होगा और कोई फोटो वीडियो डिलीट नहीं होगा तो चलिए अब मैं आपको फ़ोटो में जा दिखाता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ से देखे अब मैंने आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोटो का जैसे मेरा फ़ोटो फाइल और मैंने यहाँ से क्लिक किया और ऐप इन्फो में गया और ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे स्टोरेज यूसेज जब मैंने इसे यहाँ से क्लिक किया तो अब देखिए मेरा यहाँ पे जो वायरस है कितना है तीस एम बी है तीस पॉइंट चार थर्टी पॉइंट फोर एम बी है और थर्टी पॉइंट फोर एम बी मैंने जबकि डेली इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से वायरस और यहाँ पे थर्टी पॉइंट फोर एम बी मेरा फिर भी वायरस है केवल एक फाइल में तो हम यहाँ से इसे क्लियर कैच कर देंगे और यहाँ से मेरा ये वायरस थर्टी पॉइंट फोर एम बी ख़त्म हो गया इस तरह से आप अपने हर एक अप्लीकेशन में जा कर के अपने मोबाइल के वायरस को ख़त्म कर सकते हैं जैसे ये मेरा व्हाट्सएप है फिर मैंने इसे भी टच करके रखा और देखता हूँ इसमें कोई वायरस है या नहीं तो स्टोरेज स्टोरेज में गए और यहाँ पर देखिए सिक्स पॉइंट है जो कि मैं पर डे खाली करता हूँ तो आप भी अपने मोबाइल में ऐसे ही जाके चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितना वायरस है हर एक ऐप में अलग अलग तो यहाँ से क्लियर कैच पे क्लिक कर दिया और ये ख़त्म हो गया और मैं आपको मज़े की बात ये बताता हूँ आपके मोबाइल में सबसे ज़्यादा वायरस कहाँ होगा जैसे आपने गूगल चलाते हैं सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम ब्राउजर इसमें सबसे ज़्यादा वायरस होता है क्योंकि हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो देखिए मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ ऐसे ही ऐप इन में जाता हूँ और स्टोरेज यूसेज में जाता हूँ तो देखिए उनचालीस पॉइंट एक एम है जैसे मैंने इसे रात को मैंने पूरे वायरस को डिलीट किया और उस ये फिर सुबह इतना एम मेरे मोबाइल में वायरस बन चुका है ये क्लियर कैच ये सबको पता है लेकिन आप इसे इग्नोर कर देते हैं आप यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं अगर आप भी ऐसे अपने मोबाइल के हर एक ऐप में जा कर के यहाँ से क्लियर कैच को अगर डिलीट करेंगे तो गारंटी है कि एक जी बी से ज़्यादा वायरस आपके मोबाइल से खाली हो जाएगा अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप एक बार चेक करके जाइए और अपने मोबाइल के वायरस को ऐसे काउंटिंग कर करके एम बी को पूरा जितना डिलीट कर आप लिख के रखिए तो एक जी बी से ज़्यादा खाली हो जाएगा और आपको खुद ये अनुभव हो जाएगा कि आपका मोबाइल फास्ट चलेगा जो भी आप चार्ज करेंगे वो ज़्यादा देर देगा आपके मोबाइल में वायरस नहीं रहेगा तो नेट भी फास्ट चलेगा और मोबाइल आपका गर्म नहीं होगा जी हाँ दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा आप ये ट्रिक को अपना करके देखिए और अपनाने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं किया था इस तरह से आप जैसे ये सेटिंग है कोई भी इसमें जा सकते हैं जैसे ये सेटिंग है हम सेटिंग में भी जा कर के हम अपने वायरस को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं मेरा स्टोरेज यूसेज से है इसमें टू पॉइंट नाइन एम बी क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह नहीं लेता इसमें कोई फाइल फोटो नहीं रहता फिर भी यहाँ पर अट्ठाइस के बी मेरा पे वायरस है देखिए कैच यहाँ पर अट्ठाइस के बी का है इस तरह से आप अपने हर एक मोबाइल के सेटिंग में जा के कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल ट्रिक के साथ तब तक, तक के लिए धन्यवाद